अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तहमीर राजपूत और आप देख रहे हैं मिलने वाली सरकार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवर्मिंग की, कैटमेंट डिवर्मिंग क्या होती है, क्यों की जाती है और किस तरह से की जाती है। काइंडली इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट की डिवर्मिंग होती क्या है। कैट्स की बॉडी में कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, इनको मारने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको हम डिवर्मर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डिवर्मिंग कहते हैं। अब ये इंटरनल पैरासाइट्स क्या बुलाएं, तो इसको हम कह सकते हैं कि मैदे के कीड़े, पेट के कीड़े या कैट्स की बॉडी के अंदर जो कीड़े होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उसको हम इंटरनल पैरासाइट्स कहते हैं। तो अब ये इंटरनल पैरासाइट्स किस तरह से कैट की बॉडी में एंटर करते हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं, तो वैसे तो ये 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमनली 2 टाइप्स के वर्म्स जो कैट्स में पाए जाते हैं और जो मोस्ट डेंजरस है वो भी 2 टाइप्स के ही हैं। एक वो आते हैं राउंड वर्म्स और एक वो आते हैं टेप वर्म। राउंड वर्म्स ज़्यादातर कीटन में पाए जाते हैं और वो आते कैसे उनकी बॉडी में, कैसे वो एंटर करते हैं, तो मोस्टली राउंड वर्म्स एडल्ट जो उनकी मदर होती है, मदर फीड के जरिए कीटन में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। और जो होते हैं टेप वर्म्स, वो मोस्टली एडल्ट कैट में पाए जाते हैं और उनकी बॉडी में मोस्टली जब वो ग्रूम करते हैं खुद को तब एंटर करते हैं, या वो लीटर बॉक्स में जाती हैं फिर खुद को ग्रूम करते हैं तब भी उनकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए कि ये जो डिवर्मिंग अगर ना की जाए तो आपकी कैट के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और डिवर्मिंग ना करने के डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या क्या हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो मसला किसी भी लॉन्ग हेयर ब्रीड या पर्शियन कैट्स में आता है वो होता है हेयर फॉल का। तो सबसे ज़्यादा कैट्स उनको प्रॉब्लम हेयर फॉल से होती है। अगर आप अपनी कैट की रेगुलर डिवर्मिंग नहीं करते या एक लंबे अरसे तक डिवर्मिंग नहीं करते तो उसका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उसमें आ जाता है डायरिया। आपकी कैट को डायरिया हो सकता है और ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा लीटर प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी कैट के स्टूल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर फिर भी इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो कुछ सवेर मसले भी हो सकते हैं। अब बात कर लीजिए कि इसका स्केड्यूल क्या है, किस ड्यूरेशन पर डिवर्मिंग की जाती है। तो वैसे तो पाकिस्तान में कोई स्पेशल डिवर्मर कीटन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जब आपका कीटन 50 डेज का हो जाए तो उसके बाद उसकी पहली डिवर्मिंग आपको कर लेनी चाहिए, करवा लेनी चाहिए। उसके बाद जैसे वो 2.5 माह का हो जाए तो आपको उसकी सेकंड डिवर्मिंग करनी चाहिए, और उसके बाद हर 3 माह के बाद, या आपकी एडल्ट कैट है तो उसकी भी हर 3 माह के बाद आपको डिवर्मिंग करनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी कैट प्रेगनेंट है तो आपने उसकी डिवर्मिंग बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो काम बड़ा ख़राब हो सकता है। अब बात कर लीजिए कि ये डिवर्मिंग असल में की कैसे जाती है और इसकी मेडिकेशन क्या है। नेचुरली तौर पर कैट्स खुद को डिवर्म करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर कैट्स ग्रास खाते हैं, तो इसीलिए खाते हैं कि वो जो उनके अंदर वर्म जाते हैं, या तो उनको स्टूल के जरिए बाहर निकाल दें या उनको वॉमिट करके बाहर निकाल दें। और जो मेडिकेशंस आती हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। 2 टैबलेट्स मार्केट में पाई जाती हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाएंगे। एक प्रेफरेंट के नाम से आती है और एक ड्रोंटर प्लस के नाम से आती हैं। मैं पिक्चर आपको यहाँ पे अटैच कर दूँगा। ये 10 kg के एनिमल के लिए 1 टैबलेट होती है। तो आप अपनी कैट है, एडल्ट कैट है, ये किटन है, उसके वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर आपकी कैट का वेट अबाउट 2.5 किलो है तो आपने उसके 4 हिस्से कर लेने हैं, या इससे भी कम है तो फिर इससे भी आपने उसके छोटे हिस्से करके उसको देनी है। देनी कैसे, इसका प्रोसेस मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्मोक्स के नाम से या जेंटल के नाम से आपको सिरप मार्केट में किसी भी ह्यूमन साइड मेडिकल स्टोर से बहुत ईजीली मिल जाएगा। वैसे मैं वर्मोक्स ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो इसकी डोजेज ये है कि अगर आपके पास कीटन है तो आपने 0.5 ml फॉर 3 डेज, और अगर आपके पास एडल्ट कैट्स है तो फिर आपने 1.5 ml देना है। और देना कैसे है, आपने टैबलेट है या सस्पेंशन, आपने अपनी कैट को 6 आवर्स तक फास्टिंग करवानी है, 6 घंटे उसको भूखा रखना है, और उसके बाद आपने उसको सिरप देना है, टैबलेट देनी है। टैबलेट आप उसको वैम्पी की लीकेबल ट्रीट्स में पाउडर बना के दे सकते हैं, और सिरप आप उसको किसी भी सिरिंज के जरिए अगर आपको पिलाना आता है तो आप उसको उस तरह से दे सकते हैं, और देने के बाद भी आपने उसे मज़ीद 2 घंटे तक भूखा रखना है। इस तरह से उसके पेट में कोई भी वर्म होगा, कोई भी कीड़ा होगा, वो गारंटेड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ उसे 1 दिन ही डोजेज देनी है 3 मंथ के में के बाद। लेकिन अगर आप सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं, वर्मोक्स या जेंटल, तो फिर आपने उसे 3 दिन तक वो डोजेज देते रहना है। आफ्टर 6 आवर फास्टिंग उसका पेट खाली होगा तो आपने उसे
डोज के हिसाब से सस्पेंशन दे देना, फिर उसे मुझे 2 घंटे भूखा रखना है। लास्ट में एक प्रोटिप आपको देता चलूँ कि अगर आपकी कैट को टिक्स या फ्लीस का इशू है, या जब आपने डिवर्मिंग की थी उसके बाद उसको वो इशू हो गया है, तो या किसी तरह की और प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको उसको नज़र आ रही है उसे डिवर्मिंग की ज़रूरत हो, फिर आप उसकी 3 मंथ से पहले भी डिवर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन ख्याल कीजिए कि ओवरडोज ना हो, नहीं तो वो टॉक्सिक सिटी में भी जा सकती है। इसके अलावा जितनी भी डोजेज है और मेडिकेशन का नेम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। काइंडली ओवरडोज बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो मसला हो सकता है। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।